मार्क की पुस्तक से पढ़ूंगा, लेकिन जो कहानी आज हम जिस वचन पे मनन करेंगे ये दोनों जगह है, सुनिए ध्यान से। फिर यीशु ने वह स्थान छोड़ दिया और सूर के आसपास के प्रदेश को चल पड़ा। वहां एक घर में गया। वह नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके आने का पता चले, किंतु वह अपनी उपस्थिति को छुपा नहीं सका। वास्तव में एक स्त्री जिसके लड़की में दुष्ट आत्मा का निवास था, यीशु के बारे में सुनकर तत्काल उसके पास आई और उसके पैरों पर गिर पड़ी। यह स्त्री यूनानी थी और सीरिया के फिनिकी में पैदा हुई थी। उसने अपनी बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए यीशु से प्रार्थना की। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो लेने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर उसे कुत्तों के आगे फेंकना ठीक नहीं है। स्त्री ने उसे उत्तर दिया, प्रभु, कुत्ते भी तो मेज के नीचे बच्चों के खाते समय गिरे चूर चार को खा लेते हैं। फिर यीशु ने उससे कहा, इस उत्तर के कारण तू चैन से अपने घर जा सकती है, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ बाहर जा चुकी है। सो वह घर चली गई और अपनी बच्ची को खाट पर सोते पाया, तब तक दुष्ट आत्मा उससे निकल चुकी थी। मैं मत्ती के सुसमाचार से 15वें अध्याय से 21 से यही कहानी है मैं पढ़ रहा हूँ। फिर यीशु ने उस स्थान को छोड़कर सूर और सैदा की ओर चल पड़ा। वहां एक कनानी स्त्री आई और उससे चिल्लाने लगी, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मेरी पुत्री पर दुष्ट आत्मा बुरी तरह सवार है। यीशु ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। सो उसके शिष्य उसके पास आए और विनती करने लगे, ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, इसे दूर हटा। यीशु ने उत्तर दिया, मुझे केवल इज़राइल के घर की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी के लिए भी नहीं भेजा गया है। तब उस स्त्री ने यीशु के सामने झुककर विनती की, हे प्रभु मेरी रक्षा कर। उत्तर में यीशु ने कहा, यह उचित नहीं है कि बच्चों का खाना लेकर उसे घर के कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। वह बोली, यह ठीक है प्रभु, किंतु स्वामी की मेज से गिरे हुए चूरे में से थोड़ा बहुत तो घर के कुत्ते भी खा लेते हैं। तब यीशु ने कहा, स्त्री तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, तू जो चाहती है पूरा हो। और तत्काल उसकी बेटी अच्छी हो गई। आमेन। रीजन कि मैंने दोनों मार्कुस और मत्ती से इसलिए पढ़ा कि जब एक ही कहानी को दो जन बताते हैं तो दो अलग अलग एंगल से बताते हैं। तो एक कहानी में कुछ पार्ट का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, दूसरी कहानी में कुछ हिस्सों का विशेष रूप से ध्यान दिया गया। जब दोनों कहानी एक साथ पढ़ते हैं तो हम लोग को ये समझ में आता है कि वहाँ एक्चुअल में पूरी स्टोरी क्या हुई थी। सो आई मीन पहले हम मनन करते यीशु के इंसान होने पे। जब भी हम प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं, क्या सत्य है जो हमको उनके बारे में हम जो विश्वास करते हैं? हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पूरे इंसान है और पूरे परमेश्वर है। मतलब जब वो पृथ्वी पर आए तो वो एक मनुष्य का रूप धारण करके आए। वचन कहता है कि शुरुआत में परमेश्वर के साथ वचन था, वो वचन ही परमेश्वर था। वचन के साथ परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और जब वो वचन शरीर का रूप धारण करके हमारे बीच में आता है, तो यीशु जब एक इंसान बन के परमेश्वर का पुत्र बन के पैदा होते, परमेश्वर का पुत्र का मतलब क्या है कि वो यीशु जो इंसान बन के आया, जिसने अपने आप को पिता के अधीन किया। तो जब भी हम बाइबल में प्रभु यीशु के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, हमको दो उसके रूप दिखते हैं। दो रूप का मतलब है कि एक तरफ तो वो परमेश्वर का निष्पाप मेमना है, पर दूसरी तरफ उसकी इंसानियत भी दिख रही है। उसके मनुष्य होने का मतलब भी समझ में आता है कि कैसे जीवन की जो चीजें हो सकता है आपको प्रभावित करती है, वही की वही चीजें प्रभु यीशु को प्रभावित करती है। प्रभु यीशु आए इस दुनिया में 2000 साल पहले, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये एक प्रूवन फैक्ट है। इतिहासकारों ने भी बोला है कि ऐसा एक व्यक्ति पृथ्वी पर चला आज से 2000 साल पहले। पर जब परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस संसार में मनुष्य बन के जन्म लिया, उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से पिता के अधीन कर दिया, ताकि वो उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके, उसकी योजना को पूरा कर सके और हम सब के लिए उद्धार का रास्ता तैयार कर सके। यीशु कोई महापुरुष नहीं है, यीशु कोई अवतार नहीं है, यीशु खुद परमेश्वर है जो देह में आया। और इसीलिए जब आप इस कहानी को भी हम शुरुआत में देखते हैं कि वो सूर और सैदा के स्थान में आया, और ये एक प्राइवेट ट्रिप था अपने डिसाइपल के साथ। मतलब अब जब इतने समय से वो अपने चेलों से दृष्टांत और इन रूपों में बात कर रहा था, अब समय था उन चेलों की ट्रेनिंग को और आगे बढ़ाने का। तो ये जो प्राइवेट ट्रिप था, प्रभु नहीं चाहते थे कि कोई जाने कि वो आए हैं। आप देखे होंगे कोई फेमस लोग जब एयरपोर्ट से निकलते हैं तो कई बार दूसरे गेट से निकलते हैं, या होटलों में ऐसे जाते हैं कि कोई
उनके पीछे नहीं आ जाऊं, उनको पहचान नहीं ले। तो आप जब गॉस्पल की स्टोरीज में देखेंगे, प्रभु यीशु हमेशा चाहते थे कि कोई भी जाके हीलिंग की पब्लिसिटी नहीं करे। बहुत लोगों को उन्होंने मना किया था, जाके किसी को मत बताओ। जब उन्होंने कोढ़ी को चंगा किया, उसको कहा कि जाओ और जाके याजक को अपने आप को दिखाओ। उसी प्रकार से कई लोगों को जब उन्होंने चंगा किया, उन्होंने बोला ये मत बताना, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते थे कि उनका नाम सब जगह फैल जाए। प्रभु अपना कार्य करने आए थे, प्रभु को पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी, उनको पिता की इच्छा पूरी करनी थी। तो ये शायद अपने चेलों की ट्रेनिंग को और आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ व्यक्तिगत समय बिताने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं, चेले बनाने की प्रक्रिया में कभी भी व्यक्तिगत रूप से बिना समय बिताए चेला नहीं बनाया जा सकता। हमारे स्कूल ऑफ फेथ के स्टूडेंट्स को भी मैं ये कहता हूं कि अगर आप क्लास करना चाहते, सीखना चाहते और आप साथ समय नहीं बिताना चाहते, ऐसे चेला नहीं बनाया जाता। तो देखिए, यीशु की भी ये प्रायोरिटी थी, ये अपने चेलों के साथ वहां गए, हो सकता है इनको उनके साथ समय बिताना था, और ये नहीं चाहते थे किसी को भी उनके बारे में मालूम चले। लेकिन यीशु छुप नहीं सके, उसकी दया के कारण, उसकी कृपा के कारण, उसके चमत्कारों के कारण, उसके स्वभाव के कारण वो छुप नहीं सकते। अगर आज की आपकी भी आज तकलीफ है, आपकी कोई प्रार्थना का विषय है, अगर आप उसको खोज रहे, याद रखिए यीशु छुप नहीं सकते, वो मिलता उसको जो उसको खोजता है। मतलब ये खबर अब उस जगह में भी फैल गई, क्योंकि यीशु की चर्चा इसराइल से बाहर भी चली गई, अगल बगल के देशों में भी चली गई, तो लोग यीशु को जानते और कहीं से खबर मिल गई कि यीशु यहाँ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु छुप नहीं सकता। अगर परमेश्वर किसी के जीवन में छुपा है, वो इसीलिए छुपा है कि कोई उसको खोजे। वचन भी ये कहता है, खोजो और मिल जाएगा, जो खोजता नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता। कई लोग बोलते परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर नहीं है, देखो दुनिया में कितनी सारी चीजें चल रही। लेकिन जो सच्चे मन से परमेश्वर को खोजता है वो उसको जरूर पाता है। जहां कहीं भी पृथ्वी में कोई भी सच्चे मन से उस सच्चे परमेश्वर को खोजने की कोशिश करता है, परमेश्वर अपना पुत्र उस पर प्रकट करता है। आज जीसस का जो प्लान है, वो प्लान था कि किसी को मालूम नहीं चले, लेकिन एक औरत आके उस प्लान में गड़बड़ करती है। मतलब आप सोचिए, इंसान के रूप में जीसस का भी प्लान खराब कर दिया किसी ने, उनको भी रेस्ट नहीं लेने दिया, उनको भी अपने चेलों के साथ समय नहीं बिताने दिया, क्योंकि किसी की जरूरत थी। और क्या होता है, जब हम जीवन में टूटते हैं तब हम में एक विनम्रता आती है। घमंड हमारे स्वभाव से ऐसे ही जुड़ा हुआ है। कई जब आदमी टूटता है, जब आदमी के पास सवालों का जवाब नहीं होता, जब आपकी परिस्थितियां ऐसी होती है जो आपके हाथ की बाहर होती है, वही समय होता है आदमी का दिल नीवा हो जाता है, उसका दिल सॉफ्ट हो जाता है और वो परमेश्वर के सामने झुक जाता है। मैं फिर से कहता हूं, आप कोई भी है जो देख रहे, जहां कहीं भी सच्चे मन से आदमी परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर अपने बेटे को प्रकट करता है उसके जीवन में। यीशु छुप नहीं सकते। अगर आपकी दुआ है, आपकी कोई आज तकलीफ है, यीशु छुप नहीं सकते। और आपका भी जीवन छुपा नहीं है, आपके जन्म से भी आपका जीवन छुपा नहीं है। वचन कहता है कि जब आप आपके माँ के पेट में भी थे, तब भी आपका अस्तित्व जो है, जो आपकी हड्डियों का ढांचा जो बन रहा था, जो आप बन रहे थे, वो भी आप नहीं छुपे थे परमेश्वर से। आपके जीवन में आप क्या कर रहे हैं, आपके आपका मन किधर है, क्या आप अंधेरे में है कि रोशनी में है, आपके क्या गुण है, परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा। आज आपके मन में दोष है कि शांति है, परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा। परमेश्वर सिर्फ उसी से छुपा है जो उसको खोज नहीं रहा। जो भी सच्चे मन से परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर अपने बेटे को उस पर प्रकट करता है। वचन कहता है नीति वचन 25:2 में, किसी विषय वस्तु को रहस्य रखने में परमेश्वर की गरिमा है, किंतु किसी बात को ढूंढ निकालने में राजा की महिमा है। आज यहां हो सकता कोई है जिसके लिए परमेश्वर का अस्तित्व, परमेश्वर कौन है, क्या है, उसके सच, उसकी प्रज्ञा सब छुपी हुई है। लेकिन ये परमेश्वर का छुपना एक इन्विटेशन है कि जो खोजना चाहता है वो खोजो। परमेश्वर उसी को प्रकट होता है जो उसको खोजता है। इसीलिए वचन कहता है कि तू उसको ऐसे खोज जैसे खजाना खोजने वाला खजाने को खोजता है, वो चांदी को सोने को खोजता है। सोचिए, जब एक खजाना खोजने वाला किसी चीज को खोजता है, अपने खजाने को खोजता है, वो डेस्परेटली खोजता है। तो जो परमेश्वर का खोजी होता है, परमेश्वर उसको जरूर अपने आप को प्रकट करते हैं। ये औरत वहां आती है और प्लान था कि किसी को मालूम नहीं चले, लेकिन जरूर ये औरत को खबर मिल जाती है कि प्रभु यीशु उस स्थान पर है। अब ये औरत कौन है? सबसे पहले तो उस समाज में, उस समय में एक औरत और एक आदमी में बहुत फर्क होता था, और
औरत से तो आदमी और खासकर यहूदी और धर्म गुरु खुलेआम बात भी नहीं करते थे। तो ये एक औरत है, ये कनानी स्त्री है, ये कनान की औरत है। कनानी लोग वो लोग थे जिनके स्थान को परमेश्वर ने इसराइलियों को दिया था। वो लोग थे जो दुष्ट थे, वो लोग थे जिन पर परमेश्वर ने न्याय कर दिया था, और वो लोग थे जिनको इसराइल को परमेश्वर ने बोला था पूर्ण रूप से इनको खत्म कर दो। अब कई लोग बोलेंगे क्या परमेश्वर निर्दयी है कि उसने बोला था कनानियों को खत्म कर दो, वो भी इसराइल को। याद रखिए, बनाने वाला या जीवन देने वाला जीवन ले सकता है। आज अगर आप इस वचन को सुन दे, इस बात को समझिए कि अगर आपका जीवन उसमें नहीं है जिसने जीवन दिया है, तो उसकी नजर में उसने जिसको बनाया है वो जीवन बेकार है। परमेश्वर जब जीवन देता है वो ले भी सकता है, और कई बार अपने न्याय का माध्यम वो इंसानों को बनाता है। इसीलिए जब किसी कोर्ट में भी किसी को पापी को उसको फांसी की सजा होती है, परमेश्वर उसको फांसी नहीं दे रहे, लेकिन परमेश्वर ने उस जज को माध्यम बनाया कि ऐसे लोगों पर न्याय किया जाए। उसी प्रकार से परमेश्वर कई बार किसी को पात्र बनाता है अपना न्याय दूसरों पर लाने के लिए। परंतु हमारा मनन इस औरत पे, ये कनानी स्त्री थी। कनान वो लोग थे जो श्रापित लोग थे, जो परमेश्वर द्वारा नकारे हुए लोग थे, जिनको पूरा खत्म किए जाने की आज्ञा दी थी, पर कुछ लोग इसराइल ने छोड़ दिए थे, पूर्ण रूप से मारे नहीं थे। अब ये औरत एक कनानी है, ये इसराइल के देश की नहीं है, और इसकी एक तकलीफ है। अपनी तकलीफ में ये प्रभु यीशु के पास आते तो आप पहले देखते, जब आप ये आई है इसकी प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत बड़ी है कि प्रभु यीशु इसराइली हैं, प्रभु यीशु एक धर्म गुरु हैं, एक रबाई हैं, एक शिक्षक हैं, ये एक औरत है, ये इसराइल की भी नहीं है, ये कनानी है, ये एक आउटकास्ट है, मतलब जो सबसे नीचे तक का बोल सकते हो वैसे, मतलब जिनसे आम इसराइली नफरत करता था। लेकिन ये औरत अपनी सबसे बड़ी जरूरत में, अपनी बेटी की छुटकारे की जरूरत के लिए प्रभु यीशु के पास आती है। कई यहूदियों के लिए इससे बड़ी घटिया बात कोई नहीं होगी कि ऐसे औरत से डील करे, परंतु प्रभु यीशु कोई और यहूदी नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो दया का स्रोता है। ये औरत वहां आती है। मैं चाहता हूं इस कहानी को आप ध्यान से समझिए। तो वो यीशु से विनती करती है, वो यीशु से दुआ करती है कि हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मेरी पुत्री पर दुष्ट आत्मा बुरी तरह सवार है। ये दया के लिए प्रभु को पुकारती, वचन कहता है वो बार बार बोल रही थी, वो बार बार मदद मांग रही थी, और वो चिल्ला रही थी हे दाऊद के पुत्र। उसकी क्या दुआ थी कि मेरी बेटी से उस दुष्ट आत्मा को निकाल दे। हो सकता है वो दुष्ट आत्मा बड़े बुरे रूप से उस बेटी में अपने आप को प्रकट कर रहा था। यहाँ एक औरत है, एक माँ है जो लाचार है, एक कनानी स्त्री है जो अपनी लाचारी में प्रभु यीशु के पास आती है, लेकिन वो सही व्यक्ति के पास आती है। देखिए, जब कोई आराधना करता है, बहुत से लोग पूजा करते हैं, बहुत से लोग पाठ करते हैं, बहुत से लोग भजन और गीत गाते हैं, लेकिन किसके लिए गाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारी आराधना, सारी प्रार्थना का एक ऑब्जेक्ट है प्रभु यीशु। ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जिसके नाम सब कुछ किया गया। बाइबल कहती है स्वर्ग दूत भी इसकी आराधना करते हैं। हो सकता है आप गीत गाते, किसके लिए गाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट है आराधना का, और ये आते, देखिए आराधना के लिए इंस्ट्रूमेंट और गानों से ज्यादा जरूरी है वो व्यक्ति, वो जिसकी आराधना होती है, और ये उस व्यक्ति के पास आ गई और सही रूप से आती है। देखिए, हर जन चाहता है कि जब वो परमेश्वर के पास आए परमेश्वर उसकी सुने, लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा है वो बहुत मायने रखता है। ये औरत आती है, ये टूटी है, ये जानती है ये इस लायक नहीं कि इसको परमेश्वर से कोई भी न्याय मिले। ये पूरी विनम्रता के साथ टूटे मन से आती है। सुने, इसकी एक परिस्थिति बिल्कुल गलत है, मतलब ये एक औरत है, ये कनानी है, लेकिन इसके दूसरे रूप में इसका जो जिस एटीट्यूड से ये आई है वो बिल्कुल सही है, पूरी विनम्रता के साथ, इस बात का ज्ञान रखते हुए कि यीशु प्रभु है और वो दाऊद का पुत्र है। मतलब जरूर इस औरत ने यीशु की चर्चा सुनी होगी, या यरूशलेम में या इसराइल में ये भी होगी, और यीशु के कामों को देखा होगा। इसको ये बात मालूम है ये प्रभु है, ही इज द लॉर्ड, और उसको ये भी मालूम है ये दाऊद का पुत्र है, मतलब वो जानती थी कि ये मसीहा है। तो जब ये आती है, इसकी हो सकता है एक तरह की परिस्थिति बिल्कुल बेकार है, लेकिन दूसरी ओर से हो सकता आप आज पाप में है,
हर जगह से तकलीफों से घिरे हुए हैं, आप बिल्कुल लाचार हैं। इस औरत की तरह आप जानते हैं कि आप परमेश्वर से न्याय पाने लायक भी नहीं, आपने अपने जीवन को ऐसे बर्बाद किया, आप परमेश्वर से दूर हैं, कोई भी आपकी परिस्थिति हो। लेकिन आप इस औरत से एक चीज सीख सकते हैं कि जितनी विभत्स इसकी एक तरफ परिस्थिति थी, उतना ही सही इसका अपना एटीट्यूड था जब ये प्रभु यीशु के पास आती है। इसको मालूम है वो प्रभु है, इसको मालूम है वो राजाओं का राजा है, इसको मालूम है वो मसीह है, और ये पूरी विनम्रता से उसके पास आती है। देखिए, न्याय और दया में एक फर्क होता है। हम में से कुछ लोग हैं, हम परमेश्वर को नहीं जानते। वचन बाइबल कहते हैं कि जब एक आदमी एक बच्चा पैदा होता है, वो पाप में पैदा होता है, वो अपने स्वभाव से ही पापी होता है, वो परमेश्वर से कटा होता है। तो कई लोगों को परमेश्वर से न्याय चाहिए, परमेश्वर मेरे साथ ये गलत हुआ न्याय कर, परमेश्वर मेरे साथ वो गलत हुआ न्याय कर। लेकिन अगर परमेश्वर आज किसी का न्याय कर दे, तो बहुत लोग अपने पापों के कारण सीधा उन पर मृत्यु है, उन पर नाश का दंड हो जाएगा। तो बहुत से लोग परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड है कि हमको न्याय चाहिए। नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर के पास कोई आता है, उसको दया चाहिए, उसको वो अनुग्रह चाहिए जिसके वो लायक नहीं है। यही परमेश्वर की कृपा है कि जब वो किसी व्यक्ति पे दया दिखाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दया के लायक है, क्योंकि इस पृथ्वी पर हर किसी को वही चीज मिलती है जिसके वो लायक होता है। परंतु परमेश्वर की कृपा ऐसी है, वचन कहता है परमेश्वर अपनी पूरी सृष्टि पर कृपालु है, उसकी दया जो एक्सटेंड होती है पूरी सृष्टि पर होती है। तो यदि कोई आता है और उसको हमको मेरा न्याय करिए, तो शायद ऐसा पापी ये भी नहीं जानता होगा कि परमेश्वर का न्याय का मतलब क्या। देखिए, हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, वहां अगर आपके पास पैसा है, आपका काम ठीक ठाक चल रहा है, आप रीजनेबली ठीक कर रहे हो, मिडिल क्लास से हो या बहुत पैसे वाले हो, या बस आपकी लाइफ अच्छे से चल रही है, आपको लगता है सब ठीक है मेरे साथ, परमेश्वर मेरे साथ है। नहीं, वचन कहता है सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई भी नहीं जो परमेश्वर को जानता है। ये परमेश्वर ने कार्य किया कि आदमी को बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। और क्वेश्चन ये नहीं कि हम में से कई लोग जब टूटे होते परमेश्वर के पास आते हैं कि नहीं, लेकिन उस समय भी कई लोगों को न्याय चाहिए होता है। ये औरत न्याय पाने के लिए नहीं आई थी, इसको मालूम था ये इस लायक नहीं है, लेकिन इसको मालूम था कि वो कौन है। और ये दोनों प्रकाशना बहुत जरूरी है। एक आदमी को जब उद्धार मिलता है, उसको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर कौन है, और उसको ये भी जानना जरूरत है कि उसकी परिस्थिति, असली परिस्थिति क्या है। जब एक पापी को अपने पाप का दोष मालूम होता है, तब वो जानता है कि वो इस लायक नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने भी आ सके। लेकिन जब कोई दुहाई लेके परमेश्वर के सामने आता है, अपनी असली अवस्था में जानते हुए कि मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन वो प्रभु है, तो हो सकता है कि आपकी एक तरफ परिस्थिति इसी की तरह बिल्कुल बेकार है। आप पाप में हो, आप ठुकराए हुए हो, आप तकलीफ में हो, आप परमेश्वर से दूर हो, लेकिन दूसरी तरफ आपकी भी परिस्थिति या आपका जो एटीट्यूड है इसी की तरह बिल्कुल हो सकता आज सही हो जाए, कि ये पूरी विनम्रता से उसकी प्रकाशना में आती कि वो प्रभु है, वो मसीहा है। इसलिए प्रभु मेरा न्याय कर, बोले प्रभु दया कर। वचन कहता हूं बार बार बोल बोल के तंग कर रही थी। और देखिए, अद्भुत बात देखिए कि यहां यीशु, मत्ती 15:23 में लिखा है कि यीशु ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। He didn't answer a word, उसने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। यहां एक औरत है, दया के लिए चिल्ला रही है, और प्रभु यीशु एक शब्द भी नहीं कहते। इस बात को ध्यान से समझिए, प्रभु यीशु अपने मिशन में बिल्कुल क्लियर थे। मैं इसको इस ढंग से आपको समझाना चाहता हूं। हम जीवन को वैसा ही देखते हैं जैसा हमको बचपन से समझ में आया। अगर हमको समझ में आया कि पैसा ही सब है, हम पैसे के लिए जिएंगे। किसी को समझ में आता याशी ही सब है, वह याशी के लिए जीता है। किसी को समझ में आता बस अच्छा जीवन कटना चाहिए, वो वैसे ही जीता है। आप जीवन जैसे देखते हैं, जीवन वैसे ही जीते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया है अपनी महिमा के लिए, अपनी योजनाओं के लिए। असली जीवन वही व्यक्ति जीता है जो परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करता है। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर आए, उनको परमेश्वर की योजना मालूम थी। वचन कहता है कि वो इब्रानियों की पुस्तक में कहता है कि देखो मैं आया हूं उन बातों के अनुसार जो किताब में मेरे लिए लिखी हुई है। मतलब हर जन के लिए परमेश्वर की एक इच्छा है, एक सिद्ध इच्छा है, और यीशु को वो सिद्ध इच्छा मालूम है। यीशु पूरा अपना जीवन उस इच्छा के अनुसार जीते। यीशु का काम था केवल इज़राइल के खोए हुए लोगों के पास पहुंचना, और जो अन्य जाति है जैसे ये औरत है, इनके पास चेलों को पहुंचना था, क्योंकि वही चेलों का काम था पूरी दुनिया में जाके सुसमाचार सुनाए। ये अभी जो हो रहा है ये प्लान का हिस्सा नहीं है, बट फेथ, आज किसी का फेथ है जो अपने नीड में, अपने डेस्परेट नीड में, अपने टूटेपन में
परमेश्वर से आके वो पा जाता है जो उसको पाना है। तो यीशु चुप रहते और शायद वो अपने चेलों को भी दिखाना चाहते थे कि वो विश्वास क्या होता है जो उद्धार पाता है, वो विश्वास क्या होता है जो परमेश्वर से जवाब को पाता है। मत्ती 15:23 में वचन जब कहता है कि यीशु ने एक शब्द भी नहीं कहा, सो उसके शिष्य उसके पास आए और विनती करने लगे, ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, इसको दूर हटा। मतलब चेले इरिटेटेड थे उससे, दुखी थे, मतलब वो बिल्कुल इरिटेटेड छित्ता हो गए थे कि ये औरत चिल्ला चिल्ला के हमको तंग कर दी। और प्रभु को बोले, प्रभु प्लीज इसको यहां से हटाइए, प्लीज इसको यहां से दूर करिए। तो प्रभु यीशु उससे उत्तर देते हैं कि मुझे केवल इज़राइल के लोगों की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी के लिए नहीं भेजा गया। यीशु बोलते हैं मैं आया हूं इज़राइल के लोगों के लिए। तो यीशु आए पहले इज़राइल के लोगों के मसीहा की तरह, वो मसीहा जिसके लिए इज़राइल के लोग इंतजार कर रहे थे। इसलिए यीशु को अपना मिशन मालूम था कि मैं आया इज़राइल के लोगों के लिए। लेकिन वचन क्या कहता है मत्ती 15:25 में, तब उस स्त्री ने यीशु के सामने झुक कर विनती की, हे प्रभु मेरी रक्षा कर। मतलब ये झुक गई, और यहां जो झुकने के लिए शब्द है वही शब्द है जो वर्शिप के लिए यूज होता है, कि वह प्रभु की आराधना करने लग गई। आराधना का मतलब होता है झुक जाना, वो प्रभु के सामने झुक कर उसकी आराधना करने लगी। वो उसको प्रभु बोल के बुला रही है, वो उसकी आराधना कर रही है, वो जानती है कि वो मसीहा है। और उत्तर में यीशु उसको कहते हैं 26वीं पंक्ति में, यह उचित नहीं है कि बच्चों का खाना लेकर उसे घर के कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। अब इस औरत का सबसे बड़ा टेस्ट है, प्रभु बोल रहे हैं कि मैं इज़राइल के घराने के लिए आया हूं, यह उचित नहीं है कि जो रोटी बच्चों की है, जब एक टेबल सजाई जाती है खाने की, जो बच्चों का खाना होता है वो उठा के कोई पालतू कुत्तों को पहले नहीं देता है, वो खाना पहले घर के बच्चों को मिलता है। तो प्रभु इसको बोल रहे हैं बच्चों की रोटी जो है वो कुत्तों को नहीं दी जाती। और देख इस औरत का विश्वास टेस्ट हो रहा है, लेकिन ये नाराज नहीं होती है। बहुत से लोग आते हैं लेकिन वो सत्य से नाराज हो जाते हैं, उनको अपने हाथों से बनाया हुआ कोई परमेश्वर चाहिए जो उनके हिसाब से चले, उनको कोई मूर्ति चाहिए जो उनके हाथों से बनी हुई है। लेकिन जो सच्चा परमेश्वर है उसका वचन यही है कि सबने पाप किया, सब परमेश्वर महिमा से रहित है, और परमेश्वर ने खुद उद्धार का रास्ता बनाया है। मतलब आदमी अपने आप को नहीं बचा सकता, आदमी अपने आप को परमेश्वर के सामने सही नहीं कर सकता, ये केवल परमेश्वर की कृपा है, उसका अनुग्रह है जिससे एक व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है। लेकिन उसके लिए जैसे आज मैंने दो बात बताई, एक परमेश्वर कौन है वो जानना जरूरी है, और एक हम कौन है वो जानना जरूरी है। ये औरत इसीलिए उस विनम्रता में आई जानते हुए ये कौन है, और ये सत्य उसको नाराज नहीं करता। नहीं तो कई लोग हमको कुत्ता बोला, हम कुत्ते हैं, आपकी ये मजाल आप हमसे इस ढंग से बात किए, हाउ डेयर यू। कि यीशु अपने आप को समझते कौन है। बहुत से लोग चर्च में इसलिए तो ऑफेंडेड है, वो किस बात से नाराज है, वो सत्य से नाराज है। बहुत से पास्टरों की प्रॉब्लम है चर्च में, जब अमीर लोग आते हैं उनके लिए अलग गॉस्पल होता है। मैं विश्वास करता हूं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, इधर के लिए, उधर वाले लोगों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, सबके लिए एक ही गॉस्पल है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन मिले। और इसीलिए जब तक आदमी को अपनी असलियत नहीं मालूम चलती, शायद उसके प्रार्थनाओं का जवाब भी नहीं मिलता, क्योंकि प्रार्थना तो चोर भी करता है चोरी करने से पहले। लेकिन जब एक आदमी को अपनी असलियत मालूम चल जाती है, जब उसके दिल में दोष लग जाता है, जब उसको मालूम चल जाता है कि वो पापी है, और उसको इस बात का एहसास पवित्र आत्मा दिला देता है कि हम परमेश्वर के सामने, उस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े नहीं होंगे, तब वो न्याय के लिए नहीं आता, वो दया के लिए आता है। परमेश्वर मुझ पर दया करिए, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी, आई एम अ सिनर। आपको कहानी याद है उस मंदिर की, जब मंदिर में दो लोग आते प्रार्थना करने के लिए, एक आता है वो फरीसी, ये इज़राइली होता है, धर्मी व्यक्ति, उसी धर्मी व्यक्ति की तरह जिसकी कहानी मैं बता रहा हूं। वो आदमी मर गया क्योंकि वो बहुत नाराज हुआ पहले, मतलब उसके दिमाग में ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जब मैंने सारे धार्मिक कामों को जीवन भर किया तो मैं पापी कैसे होता। लेकिन पापी आदमी अपने स्वभाव से होता है, और जब किसी को नया जीवन इसलिए मिलता है, प्रभु यीशु नया जीवन देते हैं, उसका स्वभाव अंदर से बदल जाता है। ये उचित नहीं कि बच्चों की रोटी उठाकर कुत्तों को दे दी जाए। और इस औरत को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। इज़राइली कनानियों से, दूसरे लोगों से, अन्य जातियों से ऐसे नफरत करते थे, उन्हें कुत्ते की तरह देखते थे, उनके लिए उन दोनों में कोई फर्क नहीं था। और प्रभु ने उसी उदाहरण को इस्तेमाल किया कि ये उचित नहीं है कि जब मेज में बच्चों की रोटी है वो पहले उठा के कुत्तों को दे दो। यू डोंट डिजर्व इट, तुम घराने का ही, प्रभु बोलो तुम घराने का हिस्सा नहीं हो, मैं इज़राइलियों के लिए पहले आया हूं, यू डोंट डिजर्व इट। और इस औरत को मालूम, आई डोंट डिजर्व इट, मैं इस लायक नहीं हूं। और ये ऐसा जवाब देती है, इसको ध्यान से सुनिए, मैं 27वीं पंक्ति पढ़ रहा हूं।
वह बोली, ये ठीक है प्रभु, किंतु अपने स्वामी की मेज से गिरे हुए चूरे में से थोड़ा बहुत तो घर के कुत्ते ही खा लेते हैं। प्रभु ये क्या बोल रही, लॉर्ड आई अंडरस्टैंड दैट, मैं जानती हूँ मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मैं बाहर की हूँ, बट हैव मर्सी ऑन मी, मेरे पे दया करिए। बिना किसी नारा बोला मुझे दया चाहिए, उसकी आर्ग्यूमेंट है ये मेरी जरूरत है और ये आपके पास है, मुझे आपसे मिल सकता है, मैं इसलिए नहीं है कि मैं लायक हूं, मैं मानती हूं आप जो सब बोल रहे, लेकिन प्रभु घर के कुत्ते जो मेज से गिरता उससे खाते हैं। बोले प्रभु मुझे पूरी रोटी नहीं, मुझे टुकड़ा चाहिए, टुकड़ा काफी है, आज आज मैं जो बात समझाना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनिए, आज पूरी रोटी नहीं टुकड़ा काफी है। बोल रही प्रभु जब मेज से गिरता है ना तो घर के कुत्ते भी खा लेते हैं, आज पूरी रोटी नहीं टुकड़ा चाहिए, हैव मर्सी ऑन मी, प्रभु मुझ पर दया करिए। आज बहुत से विश्वासी हैं, आज प्रभु की मेज में आज जब शामिल होंगे आपको वो रोटी मिलती है, याद रखिए कोई टुकड़े के लिए तरस रहा है, बाहर एक दुनिया है जिनको इस रोटी का एक टुकड़ा मिल जाए उनका जीवन बदल सकता है। प्रभु बोलते स्त्री तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। जीसस इंप्रेस्ड हो गए, इसने बाजी मार ली, इसने परमेश्वर का दिल जीत लिया, इसके विश्वास ने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। जीसस बोलते तुम्हारा फेथ बहुत बड़ा है, वचन कहता बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। आज आप हैं उस, और हो सकता है आपका सवाल हो क्या परमेश्वर मेरे जीवन में काम करना चाहता है, आपको विश्वास करना पड़ेगा परमेश्वर है, और अगर आप उसको खोजेंगे तो उसका प्रतिफल जरूर देगा। कभी भी कोई सच्चे विश्वासी का मुंह काला नहीं होता, क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर को खोजता है, जो उसका खोजी होता है, जो विश्वास से उसको खोजता है, परमेश्वर उसको उसका प्रतिफल जरूर देता है। प्रभु बोल रहे हैं लेडी आई एम इम्प्रेस्ड, हम तुम्हारे फेथ से बहुत खुश है, तुम्हारा फेथ बहुत बड़ा है, जो तू चाहती है वो पूरा हुआ। मतलब यीशु जो बाहर के लोगों से अभी तक दृष्टांत में बात करते थे, उसने इस दृष्टांत को इस औरत के सामने रख दिया कि बच्चों की रोटी कुत्तों को देना ठीक नहीं है, लेकिन इस औरत ने उस दृष्टांत का जवाब बिल्कुल सही दिया कि प्रभु जब मेज से रोटी गिरती है उसको कुत्ते ही खाते हैं, मुझे दया चाहिए। उसने आराधना की, वो विनम्र थी, वो टूटी हुई थी, उसने सम्मान किया, वो डटी रही। वैसे जब कठिनाई आती है तो सच्चा फेथ सच्चा विश्वास और बढ़ जाता है। इसलिए प्रार्थना भी कई बार रेसलिंग की तरह है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक आप मुझे आशीष नहीं दे दे। तो बोले जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा। आज कोई है जो प्रार्थना के विषय में इस बात को समझ ले कि जब आप उसको नहीं छोड़ते विश्वास से आप डटे रहते, जब आपका फेथ टेस्ट होता है, इस औरत का फेथ टेस्ट हुआ था, बट एंड में प्रभु क्या बोलते जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा। ये आई थी बोलने के लिए प्रभु आप जो चाहते हैं आप करिए, आप वो करिए जो ये मेरी नीड है। प्रभु बोले जो तुम चाहते हो वही होगा, आई एम इम्प्रेस्ड, तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है, प्रभु प्रसन्न हो गए उस विश्वास से। आज अब कोई भी है जो सुन रहे हैं, आपकी कोई भी नीड हो, और सबसे ऊंची आदमी की नीड होती है उसका अपना उद्धार, उसका अपना व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु यीशु के साथ, आज आप बिलीव कर सकते हैं, विनम्र हो सकते हैं उसके। आपके जीवन में हो सकता है गलत हुआ आपके साथ, हो सकता है न्याय हुआ आपके साथ, धोखे हुए, लेकिन ये इस सत्य को नहीं बदलता कि परमेश्वर के सामने आप भी एक पापी हैं। तो अगर आप उसके सामने आ जाते हैं पहले न्याय के लिए नहीं, पहले दया के लिए आइए, अपनी असलियत को जानकर, अपनी जरूरत को जानकर कि मुझे कृपा चाहिए, मेरे को गॉड का इंटरवेंशन चाहिए, मैं इस लायक नहीं हूं, पर मुझे प्रभु का हस्तक्षेप अपने जीवन में चाहिए, और उसके पास आइए जैसे वो है, वो आराधना के योग्य है। कोई यदि उसके चरणों में चला जाए, कोई विश्वास यदि उसके पास आए, तो प्रभु उसको कभी भी नहीं नकारेंगे। बच्चों की रोटी मेज में, जब बच्चों की रोटी, विश्वासी जीवन ऐसा है जो मेज पे जिया जाता है, ये वही मेज है प्रभु भोज की, जो मेज आज हम लोग फिर जो लगाएंगे, ये वो मेज है जहां यहूदी भी आता है, कनानी भी आता है, एक हिंदुस्तानी भी आता है और पाकिस्तानी भी आता है, एक अमेरिकन भी आता है। क्यों? क्योंकि इस मेज में हर कोई जो उस पर विश्वास करता है एक साथ खाता है। जितने लोग उस मेज से खाते हैं वो सब एक घराने के हिस्से हैं, वो एक ही घराने के लोग हैं, वो सब एक हैं। वो रोटी जब तोड़ी जाती है, वचन कहता उस रात प्रभु यीशु ने रोटी ली और उसको तोड़ी। आज कोई बोल रहा है प्रभु टुकड़ा काफी है, क्या हम इन टुकड़ों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं? क्या आज हम अपने मन में निर्धारित करेंगे नहीं, हम रिस्पॉन्सिबल है उस ट्रूथ को लोगों तक पहुंचाने के लिए। यहां मेरे पास पूरी रोटी है लेकिन वहां कोई टुकड़े के लिए तरस रहा है। एक वर्ल्ड है जिसको प्रभु यीशु की जरूरत है और उनके लिए एक टुकड़ा काफी है। आज ये मेज हम लोग के सामने अब सजने वाली है,
उस रोटी में इतना ताकत है कि छोटे से छोटा जितना मैला हो, जितना बड़ा पापी हो, जितना घटिया इंसान हो, वो एक नया व्यक्ति बन सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जाओ यहूदा में, समरिया में और पृथ्वी की छोर में जाओ और इस सुसमाचार का प्रचार करो। अगर आप विश्वासी क्या बोलेंगे, नहीं प्रभु आज इस रोटी की वैल्यू समझना है। चर्च की हालत उस अमीर आदमी के जैसे है जिसके दरवाजे पर वो गरीब लाजरूस बैठा है और टुकड़े को तरस रहा है। आज प्रभु किसी को भार दे कि हमको आत्माओं को बचाना है, हमको ये रोटी लोगों को बांटनी है,